ओम शांति। आज हम उदाहरण से समझेंगे कि बार बार सुनते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो इसको कैसे समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ? आत्मा के विषय में कहा जाता है कि आत्मा निराकार है, आत्मा चैतन्य शक्ति है, और आत्मा में कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरीलेस है, टाइमलेस है। तो आत्मा कुछ करती नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा सबसे इम्पॉर्टेंट है, चैतन्य शक्ति है। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे आत्मा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। ऐसे चिंतन चला कि जैसे टीवी है, टीवी तो सभी देखते ना, तो टीवी में जैसे टीवी स्क्रीन है और उसमें बोर्ड में उसका प्लग लगा हुआ है, माने कि जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ पे प्लग लगा हुआ है, ठीक है। टीवी का उदाहरण इसलिए क्योंकि टीवी आसानी से हम समझ सकते हैं, हम सभी देखते हैं टीवी ना, तो टीवी में जैसे पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह सब दिखाई देती हैं, कलर दिखाई देते हैं, साउंड सुनाई देता है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी तो वही सब कुछ हो रहा है ना। कैसे आवाज़ हमारे को सुनाई देती है, कैसे हमारी कल्पनाओं में पिक्चरें दिखाई देती हैं। हम क्या करते हैं कि पहले तो हम उसको टीवी को ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि स्क्रीन में एक कलर आता है और उसमें कुछ लिखा हुआ भी आता है ना, और उसके बाद फिर जब हम और टीवी की स्क्रीन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा होता है, ऐसा लगता है सब रियल है। तो ये सब कैसे हमको ये रियल लग रहा है, इसी तरीके से हमारे अंदर भी जो कुछ चल रहा होता है, विचार चल रहे होते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, तो वो भी रियल कैसे फील होता है। रिमोट के द्वारा चैनल चेंज करते हैं, तो जो चैनल हम देखना चाहते हैं वो हम रिमोट से उसको चैनल को टीवी में देखते हैं, चालू करते हैं और वो देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही, पिक्चर्स सारी दिखाई दे रही हैं, वॉइस आवाज़ वगैरह सब सुनाई दे रहा है, तो ये जो है साउंड वगैरह जो सुनाई दे रहा है, जब हम टीवी को बंद करते हैं तो ये सब कुछ कहाँ है? टीवी के अंदर है? कहीं एग्जिस्ट करता है टीवी के अंदर? कहीं ये चीज़ें हैं कि जो पिक्चर है, इमेजेस जो दिखाई दे रही है हमें, फिल्म दिखाई दे रही है, वो है क्या टीवी के अंदर? नहीं है ना। जो साउंड, जो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो है क्या टीवी के अंदर? वो नहीं दिखाई दे रहा, वो सुनाई भी नहीं दे रही कुछ, है ना। और जो हमें उसमें कलर दिखाई दे रहे हैं, वो भी टीवी के अंदर कहीं नहीं है। वो बात अलग है, जब हम छोटे थे तो हम लोग सोचते थे रेडियो से आवाज़ आती थी तो लगता रेडियो के अंदर कोई बैठा है क्या, बहुत छोटे बच्चे थे तब ऐसे सोचते थे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। तो टीवी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो टीवी में हमें दिखाई दे रही हैं जब हम उसको ऑन करते हैं तो। अच्छा, अब उसमें जब करंट आ रहा है तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पिक्चर्स दिखाई दे रही, इमेजेस, कलर सब दिखाई दे रहे हैं, साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, करंट उसमें आना बंद होता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो टीवी के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, जो कलर दिखाई दे रहे हैं, जो साउंड दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ भी उसके अंदर नहीं है, फिर भी हम सब उसको देख पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही अब हम इसको इस ढंग से समझते हैं कि जैसे टीवी को देखा ना, इसी तरीके से ये शरीर है, हम सबका शरीर है, जैसे टीवी है वैसे हमारा शरीर है, ठीक है। और उसमें संकल्प बहुत चलते, विचार बहुत चलते, माने कि जैसे कि उसमें कोई स्टोरी चल रही है टीवी में जो दिखाई दे रहा है, सीरियल स्टोरी, तो वो हमारे अंदर भी संकल्प विचार चलते हैं ना, फिर हमारे अंदर मन में कुछ कुछ चित्र बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात सोची, मतलब कुछ भी, किसी को याद किया उसका फेस आ जाता है सामने, या कोई चीज़, कुछ भी, कपड़ा, कुछ भी चीज़ आप जब सोचते हैं तो वो चित्र दिखाई देने लगता है ना, तो इमेज बन रही है। और ऐसे ही अंदर हम जो बात करते हैं मन ही मन, और कई बार होता है ना कि अकेले ही कुछ कुछ मन में चल रहा है, वो अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं हम, या
बाहर भी हम बात कर रहे हैं, आवाज़ निकल रही है गले से, तो ये सब इस शरीर के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है, कहाँ है ये विचार, कहाँ है ये इमेज जो बन रही है, पिक्चर्स बन रही हैं जो, कहाँ है अंदर ये शरीर के अंदर कहाँ है ये सब, सोचो, है ना। तो जैसे उस टीवी में दिखाई तो सब दे रहा लेकिन कहीं भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे ही शरीर के अंदर ना ही आवाज़ है, ना ही पिक्चर्स हैं, इमेजेस वगैरह, स्टोरी वगैरह, विचार वगैरह, ये कहीं कुछ नहीं है, फिर भी हम सब इसको फील करते हैं ना, हम जानते हैं कि ये सब हमारे अंदर हो रहा है, ऐसे ही टीवी में भी सब हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है टीवी के, ऐसे हमारे शरीर के अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे कि टीवी को जब करंट पहुंचा तो ये सब दिखने लगा, ऐसे ही शरीर के अंदर जब आत्मा है तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। और जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर तो फिर पड़ा रह जाता है, डेड बॉडी हो जाती है, फिर तो और कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना, तो फिर तो वो मिट्टी कहलाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अब इसको इस ढंग से समझें कि जैसे करंट गया तो वो टीवी में सब कुछ दिखाई दिया, तो वो जो करंट है, और वो करंट भी कहाँ से आ रहा है, जो पावर हाउस है जहाँ बिजली बन रही है वहाँ से ये करंट कहाँ कहाँ से होके आ रहा है ना। तो ये जो करंट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देता है क्या करंट, नहीं दिखाई देता, लेकिन एक पावर है ना, तो उससे सब कुछ हो रहा है टीवी में। तो ऐसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती है लेकिन इस शरीर के अंदर सब कुछ हो रहा है उस आत्मा से। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है, चाहे विचार आ रहे हैं, चाहे हमारे अंदर चित्र बन रहा है, हमारी बुद्धि कितने तरीके के चित्र बनाती रहती है किसी भी चीज़ में, जब हम विचार करते, माने मन जब विचार करता, हम क्या, मन विचार करता है ना, मन विचार करता है तो बुद्धि उसके चित्र बना देती है, और फिर इस तरीके से वो सब कुछ हो रहा है लेकिन वो है कुछ नहीं अंदर हमारे, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप शांति से सोचें कहाँ बन रहा है ये, कोई फैक्ट्री है क्या अंदर विचार बनने की, चित्र बनने की, कोई स्पेस है क्या, कुछ भी नहीं, कहाँ बन रहा है ये, है ना, जैसे टीवी में कहाँ बन रहा है ये, ऐसे ही शरीर में कहाँ बन रहा है ये। तो माने जो है ये सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो होता नहीं है, लेकिन वो होता कब है, वो मतलब किसके दम पे हो रहा है, जैसे टीवी में करंट के दम पे ही टीवी में ये सब चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसे ही आत्मा के दम पे ही ये सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर मतलब हो रहा है ना, हमारे मतलब ये तो एक सामान्य भाषा में बोल रहे हैं लेकिन शरीर के अंदर हो रहा है। तो वो जो करंट है जैसे वहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी आत्मा दिखाई नहीं दे रही। तो परमपिता परमात्मा कहते बच्चे तुम तो आत्मा हो, आत्मा दिखाई नहीं देती है लेकिन इस शरीर के अंदर सब कुछ हो रहा है उस आत्मा से। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है, चाहे विचार आ रहे हैं, चाहे हमारे अंदर चित्र बन रहा है, हमारी बुद्धि कितने तरीके के चित्र बनाती रहती है किसी भी चीज़ में, जब हम विचार करते, माने मन जब विचार करता, हम क्या, मन विचार करता है ना, मन विचार करता है तो बुद्धि उसके चित्र बना देती है, और फिर इस तरीके से वो सब कुछ हो रहा है लेकिन वो है कुछ नहीं अंदर हमारे, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप शांति से सोचें कहाँ बन रहा है ये, कोई फैक्ट्री है क्या अंदर विचार बनने की, चित्र बनने की, कोई स्पेस है क्या कुछ। तो माने जो है ये सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो होता नहीं है, लेकिन वो होता कब है, वो मतलब किसके दम पे हो रहा है, जैसे टीवी में करंट के दम पे ही टीवी में ये सब चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसे ही आत्मा के दम पे ही ये सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर मतलब हो रहा है,
है ना, हमारे मतलब ये तो एक सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर हो रहा है। तो वो जो करंट है, जैसे वहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी आत्मा दिखाई नहीं दे रही। तो परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे तुम तो आत्मा हो, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है, तो अपने को आत्मा समझो। तब फिर ये समझ आता है, अच्छा वो चैतन्य शक्ति है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। वो चैतन्य शक्ति जब नहीं होती है तो ये शरीर काम नहीं करता है ना, इसमें फिर कोई स्टोरी बनती, ना कोई कोई भी इमेजेस नहीं बनती, कोई भी इसमें पिक्चर्स नहीं दिखाई देती है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब कि वो जो पावर आ रही है ना, आत्मा वाली पावर है, जो वही मैं हूँ। इस तरीके से जब हम समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि आत्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो पावरफुल है, और वो इस शरीर में जब होती है तो शरीर से सब कुछ होता है। शरीर में ही सारे विचार चलना शुरू होते हैं, बुद्धि अपना काम शुरू करती है, पिक्चर बनाना, इमेजेस बनाना, सब कल्पना में सब चीज़ें दिखाती है। तो आत्मा निराकार है, इसको इस ढंग से समझेंगे तो मैं वो आत्मा हूँ, जैसे वो टीवी में जो करंट है ना, ऐसे ही मैं वो आत्मा हूँ। तो जैसे टीवी में जो करंट आ रहा है वो पावर हाउस से आ रहा है, ऐसे ही मुझ आत्मा में जो पावर आ रही है वो परमपिता परमात्मा से आ रही है। इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो मुझ आत्मा में आ रही है, और उससे ये शरीर फिर चलता है। तो वो आत्मा चैतन्य है, उसके होने से ही सब कुछ होता है। तो ऐसे जब हम समझते हैं तो समझ में आता है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, प्योर हूँ, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। जैसे करंट में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती ना, ऐसे ही है आत्मा में कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो प्योर है, पावरफुल है, और क्या है, साइलेंस है। जैसे करंट होता है तो कहीं कुछ आवाज़ आती है क्या, नहीं आती ना, ऐसी आत्मा में भी कोई आवाज़ नहीं है, साइलेंस, पीस। तो इस तरीके से जब हम समझते हैं तो समझ आता है कि मैं आत्मा हूँ, और उसके दम पे ही सारा सब कुछ हो रहा है शरीर में। इस तरीके से हम समझते हैं तब हम जानते हैं कि आत्मा निराकार है, आत्मा पावरफुल है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पीस हूँ, साइलेंट हूँ, ओम शांति बोलते ना, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।